दोस्तों, यहाँ पे फाइनली एप्पल ने अपने इवेंट WWDC 21 में iOS 15 को लॉन्च किया। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि iOS 15 में हमको कौन कौन से नए अपडेट देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन में क्या अपडेट देखने को मिलेगा, और जहाँ पे होम स्क्रीन की बात करो, जहाँ फिर बाकी जितने भी खास खास इसमें हमको अपडेट देखने को मिलेंगे, हम आज की इस वीडियो में वो सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देख रहे, चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फेस टाइम को लेके, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि भाई फेस टाइम में हमको जो कुछ भी ज्यादा अपडेट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जहां पे इस बार एप्पल ने यहां पे क्या किया कि iOS 15 में जो फेस टाइम था उसको कुछ ऐसा जूम की तरह बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर दी है, क्योंकि उनको पता कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग ऐसे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उसने बहुत सारा फेस टाइम के अंदर अपडेट किया है। उन्होंने सबसे पहले यहां पे बात करें फेस टाइम में मल्टीपल पीपल्स को एक साथ ऐड करके बहुत सारे बंदे यहां पे फेस टाइम के ऊपर बात कर सकते हैं, साथ में पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसको चेंज कर सकते हैं और उसको ब्लर भी कर सकते हैं, और साथ में अगर आप किसी के साथ अपना म्यूजिक को लिंक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और साथ में आपको म्यूजिक को अगर सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जितने भी बंदे आपके साथ फेस टाइम में ऐड होंगे वो सभी म्यूजिक सुन सकते हैं। और जल्दी यहां पे आपने ये भी बोला कि फेस टाइम में आपको जो एक वेब वर्जन देखने को मिलेगी, और वो जो वेब वर्जन होगी वो जहां पे विंडो के ऊपर भी चल सकती है, जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप की एक वेब वर्जन होती है, वैसे एक वेब वर्जन आपको जहां पे फेस टाइम की भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, जहां पे आगे जो अपडेट लेके आ रहा है वो जहां पे नोटिफिकेशन को लेके आ रहा है। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि भाई जो नोटिफिकेशन होते थे ना, सच में बहुत इरिटेट करते थे। बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे आप ऊपर आ जाते थे, जब भी हम उसको स्वाइप करके देखते थे पता नहीं क्या मिक्स हो जाता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था एप्पल के नोटिफिकेशन के कारण। लेकिन बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कब नोटिफिकेशन के ऊपर हमको अपडेट देखने को मिलेगा। फाइनली जहां पे एप्पल ने iOS 15 में हमको जो अपडेट दिया बहुत खास है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे जो नोटिफिकेशन होते हैं उसको ग्रुप में रख सकते हैं, जैसे कोई फैमिली का ग्रुप हो गया, कोई आपका वर्क का ग्रुप हो गया, उसके अकॉर्डिंग जब आप ग्रुप को ओपन करोगे तो उन्हीं के आप नोटिफिकेशन देखने को देख सकते हैं। साथ में इन्होंने एक अपडेट और भी किया है डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर, तो डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर जो अपडेट किया बहुत ही ज्यादा खास है। इसमें क्या कि आप उसके अंदर भी अलग अलग तरह के ग्रुप बना सकते हैं, जैसे आपका वर्क का ग्रुप हो गया, या फिर आपका फैमिली का ग्रुप हो गया, या फिर आपका कोई पर्सनल ग्रुप हो गया, तो इस ग्रुप में आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जब भी डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करोगे तो अगर आप चाहते हो कि मैं वर्क कर रहा हूं तो ओनली जो भी नोटिफिकेशन आएंगे मेरे वर्क के अकॉर्डिंग ही आएंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन आपने ऐड किए होंगे वर्क के अंदर, जैसे कि मेल होगा वो भी वर्क के अकॉर्डिंग आएंगे, या फिर कोई बंदे हैं जो आपको आपके वर्क से रिलेटेड हैं तो वही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, ये ग्रुप के अंदर करके उन्होंने बहुत सही किया है। अगर आप फैमिली के साथ है तो आप डू नॉट डिस्टर्ब को एक्टिवेट करते हो तो फैमिली ग्रुप को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको फैमिली के अकॉर्डिंग ही नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी फैमिली में आपने ऐड किया है वर्क से रिलेटेड आपको कोई भी जहां पे नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो जहां पे अगर आप इन सब नोटिफिकेशन को अपने अकॉर्डिंग नहीं रखते हो तो जहां पे आईफोन क्या करेगा कि अपनी AI इंटीग्रेशन की हेल्प से वो सब जितने भी नोटिफिकेशन होंगे उसको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेगा, वो देख लेगा कि कौन से नोटिफिकेशन आपके फैमिली के अंडर आएंगे, कौन से आपके वर्क के अंडर आएंगे और कौन से नोटिफिकेशन आपके जहां पे पर्सनल के अंडर आएंगे। जहां पे एक अपडेट और भी देखने को मिलता है लाइव जहां पे टेक्स्ट वर्क का, तो बेसिकली ये है क्या, जब भी आप कोई भी फोटो को क्लिक करते हो या फिर उसमें क्या कर सकते हो कि आप उसका जो टेक्स्ट होता है फोटो के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसको आप कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं मेल के अंदर, वो टेक्स्ट की फॉर्म में मेल के अंदर पेस्ट हो जाएगा, या फिर कोई आप नोट्स के अंदर उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या, सपोज कोई जहां पे एक फोटो है जिसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट है, तो मैं उस फोटो को जैसे क्लिक करूंगा अपने आईफोन के अंदर और मैं क्या कर सकता कि उस फोटो के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी फोटो है, उस टेक्स्ट को भी मैं जहां पे कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं, कहीं भी ऐड कर सकता हूं। तो ये फंक्शन भी काफी अच्छा है। जहां तक आपने देखा होगा कि गूगल लेंस की जहां पे बात करो, बहुत पहले जहां पे एंड्रॉइड में वो ऑप्शन आपको देखने को मिलती, वैसा ही जहां पे जो लाइव टेक्स्ट है जहां पे आईफोन के ऊपर भी ऐसा काम करने वाला है। तो जहां पे आगे जो फंक्शन को अपडेट किया गया है काफी सही है, मैं इसको काफी पसंद करता हूं, वो है स्पॉटलाइट। आपको पता कि भाई आईफोन का स्पॉटलाइट पहले बहुत अच्छा है, स्पॉटलाइट बेसिकली जो उसके ऊपर सर्च बार होती है, कुछ भी आपको सर्च करने का, कुछ ऐप से रिलेटेड, वेब से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपकी पर्सनल जहां तक फोटोज है वो भी आप स्पॉटलाइट से सर्च कर सकते हो। लेकिन जहां पे इन्होंने जो अपडेट दिया काफी सही दिया, तो जहां पे इन्होंने क्या किया कि सपोज मेरे पास कोई ऐसी फोटो है जिसके अंदर टेक्स्ट है, सपोज जहां पे मैंने कोई बुक की फोटो ऐसे करके खींच ली, उस बुक के ऊपर कोई टेक्स्ट है, तो अगर मैं जहां पे स्पॉटलाइट को सर्च करता हूं मेरे को वो फोटो तो नहीं याद होगी कि भाई मैंने कब डेट, उसकी डेट की याद होगी
या फिर कुछ भी, उसका नाम तो नहीं याद होगा, लेकिन जो टेक्स्ट ऊपर हो गया ना बुक के ऊपर, अगर मैं स्पॉटलाइट पे ऊपर वो ही सर्च करता हूँ तो वो फोटो भी मेरे सामने आ जाएंगी, स्पॉटलाइट के ऊपर आपको वो सर्च देखने को मिल जाएगा। और जहाँ पे इन्होंने एक अपडेट और भी दिया जो काफ़ी सही है, जहाँ पे क्या है कि जितना भी आप स्पॉटलाइट के ऊपर सर्च करते हो वो जहाँ पे जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो जहाँ पे एप्पल के सर्वर के ऊपर जाके सेव नहीं होगी, जो आपकी डिवाइस होगी उसके अंदर ही रहेंगी। आगे जो अपडेट की बात करें तो वो है फोटो मेमोरी। फोटो मेमोरी को जहाँ पे लेके बात करें तो भाई जहाँ पे इन्होंने कुछ अपडेट किया है, तो आपको पता है कि वैसे बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप होते थे जो ऑटोमेटिकली आप जहाँ पे फोटो गैलरी के अंदर बना सकते थे, लेकिन जहाँ पे आपने एप्पल ने थोड़ी आपकी हेल्प की है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो भी फोटो आपने लिए होगी, जो भी आपके गैलरी के अंदर होगी, उसकी आप एक वीडियो बना सकते हो, ऑटोमेटिक वो वीडियो क्रिएट हो जाएंगी अच्छे तरीके से, और जहाँ पे आप उसके मूवमेंट्स को सिलेक्ट कर सकोगे कि आपकी जो वीडियो क्लिप होगी किस कैसी होनी चाहिए, हैप्पी होनी चाहिए, सैड होनी चाहिए, पहले भी ऐसी ऑप्शन देखने को मिलती है, और जहाँ पे वो इंटीग्रेशन म्यूजिक भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो आपको एप्पल की तरफ से जहाँ पे आप म्यूजिक भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आगे बात करें एप्पल वॉलेट को लेकर, तो आपको पता है कि ऑलरेडी जो जू चिप है वो एप्पल में आना स्टार्ट हो चुकी है, जिसके कारण जू चिप के कारण बहुत सारे आप काम है वो कर सकते हो, जैसे एयर टैग की हेल्प से आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, लेकिन जहाँ पे उन्होंने जू चिप से और भी बहुत सारे काम लेना स्टार्ट कर दिया है, जैसे जहाँ पे बात करें ना एप्पल को लेकर, एप्पल वॉलेट के अंदर आप बहुत सारे ऐसे कार्ड ऐड कर सकते हो, अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर कोई दूसरे ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। और जहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे एप्पल ने बोला कि उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे BMW हो गया कार की कंपनी, वहाँ भी उनके साथ कॉन्टैक्ट किया है, और जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने आईफोन से अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं या फिर उसको अनलॉक कर सकते हैं। और साथ में अगर आप किसी होटल को आपने बुक किया है, बहुत सारे होटल के साथ जहाँ पे एप्पल ने टाई अप किया है, तो उस होटल में भी क्या होगा कि अगर आपने रूम बुक कर लिया, सब कुछ बुक कर लिया, तो जो आपको होटल की जो की होगी वो ऑटोमेटिकली आपके एप्पल के वॉलेट में ऐड हो जाएंगी, और वो NFC से काम करेंगी। जैसे आप होटल के रूम के अंदर पहुंचेंगे तो डोर के पास ऐसे करके अगर आप अपना आईफोन रखते हो तो वो आपका जो होटल का रूम होगा वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं वेदर और मैप को लेके। सबसे पहले यहाँ पे वेदर को लेके बात करें तो वेदर के अंदर भी बहुत सारे नए नए अपडेट देखने को मिलेंगे, आपको ज्यादा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप रेन के बारे में कुछ ढूंढ रहे हो, कब तक रेन स्टार्ट होगी, उसके क्रैक टाइम के ऊपर बहुत सारा इन्होंने कोशिश किया कि क्रैक टाइम हम दे सके, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे एनिमेशन ऐड किया वेदर के अंदर। और आगे हम जहाँ पे बात करें ना अगर मैप को लेके, तो मैप को लेके भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे नए नए अपडेट देखने को मिले हैं, बहुत सारी नई नई आपको जो रोड होते हैं उसको ऐड किया, बहुत सारा सैटेलाइट के थ्रू इन्होंने जो कनेक्टिविटी की अपनी अच्छी की, आपको सही तरीके से पूरी रोड की इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन जितने भी ये अभी मैप में अपडेट हुए आपको जो अपना इंडिया में देखने को तो खासकर नहीं मिलेंगे, बाकी जितनी भी कंट्री होगी जैसे कैनेडा हो गया, USA हो गया, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन इंडिया में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ, अगर जहाँ पे इंडिया की बात करो ना, इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गूगल मैप को यूज करते हैं, और गूगल मैप का इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा राज है। तो मेरे पास भी खुद जहाँ पे आईफोन है, लेकिन मैं आईफोन का जो मैप होता है इंडिया में वो नहीं यूज करता हूँ, मैं जहाँ पे गूगल मैप यूज करता हूँ, क्योंकि अगर हम जहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, मैंने ऑलरेडी जहाँ पे कंपैरिजन करके देखा, लेकिन जो एक्यूरेट में इंडिया में सही देखने को मिलती है वो एक्यूरेसी जहाँ पे आपको अपना गूगल मैप ही दे सकता है, आईफोन के मैप में आपको बहुत कम देखने को मिलती है। तो जहाँ पे इंडिया में अपडेट तो आते हैं हर बार मैप के ऊपर, लेकिन जहाँ इंडिया में आपको बहुत कम ऐसे मैप के अंदर जो अपडेट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जहाँ पे आगे बात करें ना आईपैड ओएस को लेके, जहाँ भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अपडेट किए हैं, जैसे जहाँ पे बात करें अपने विजगेट को जहाँ पे इंप्लीकेट किया इन्होंने, उसके बाद ऐप लाइब्रेरी को जहाँ पे भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया है, मल्टीपल ऐप्स को आप एक स्क्रीन के ऊपर खोल सकते हैं, बल्कि एक ही स्क्रीन के ऊपर आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, अगर दो काम आप कर सकते हैं एक ही स्क्रीन के ऊपर, और जो इस साइड पर जो काम हो रहा है वहाँ से कोई भी कॉन्टेंट कॉपी करके पेस्ट करके दूसरी ऐप के अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ पे इन्होंने इकोसिस्टम को बेटर करने की जहाँ पे कोशिश किया, और इसके अंदर आपको पता है कि ऑलरेडी M1 चिप उन्होंने डाल के रखी है, और इसी M1 चिप का वो फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि M1 चिप की बात करें तो बहुत पावरफुल चिप है, और जो जहाँ पे आईपैड में हमको सिस्टम देखने को मिलता है वो नॉर्मल देखने को मिलता है, और जहाँ पे उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे जो हैवी टास्क होते हैं अभी वो भी आप कर सकते हैं, जैसे वीडियो को एडिटिंग करना या फिर और भी बहुत सारे ऐसे काम आप कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी ऐप अभी आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक एक बात करें ना, अभी बहुत सारा ऐसा हो गया कि मैकबुक और जहाँ पे आईपैड काफ़ी आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में हमको अभी M1 चिप देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे काम है बस थोड़े से जो रह गया, जैसे कि प्रोग्रामिंग की जहाँ पे बात करो उसके लिए आपको मैकबुक की यूज़ करना पड़ेगा, बाकी जितने भी नॉर्मल काम होते हैं फोटोशॉप की बात करो या फिर आप वीडियो रेंडरिंग करते हो, ये सब नॉर्मल काम भी अभी आप आईपैड में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पावरफुल M1 चिप है उसकी आपको जहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलती है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे फालतू के वेबसाइट हम ओपन करते हैं उसके अंदर भी जो बहुत सारी ऐसी कुकीज़ होती है उसको जहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे जो ईमेल्स होते हैं वो भी अभी आपको फालतू
बातों को देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों जहां पे आगे बात करें सीरी को लेकर, तो जहां पे प्राइवेसी के ऊपर ध्यान देते हुए बहुत बड़ा अपडेट किया है। अभी जो भी कमांड आप सीरी के ऊपर सीरी को देते हो, वो जितनी भी आपकी वॉइस कमांड होगी, वो सब जितना भी डेटा होगा आपके मोबाइल के अंडर ही रहेगा। पहले क्या होता था कि जितना भी डेटा होता था वो एप्पल के सर्वर के ऊपर सेव होता था। तो आगे बात करें आईक्लाउड प्लस को लेकर, तो जहां पे क्या होगा, जितना भी आपका डेटा होगा इसके अंदर ब्राउज करने के ऊपर, जहां जो भी आपकी फाइल स्टोर है वो बिल्कुल पर्सनल रहेंगी। जो भी आप इसके अंदर ब्राउजिंग करोगे उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल जहां पे सिक्योर रहेंगी। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि आप वीपीएन यूज करते हो जब भी आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, या फिर टोर ब्राउजर की बात करो, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम ब्राउजर यूज करते हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर। तो जहां पर पर्सनली जहां पर एप्पल ने क्या किया कि एक सिक्योरिटी आपको उनका जो वीपीएन बोलो, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीपीएन की सिक्योरिटी है वो देने की जहां पर आपको कोशिश की है। जहां पर आगे बात करें मैक ओएस को मोंटेरी को लेकर, तो जहां पर बहुत बड़ा अपडेट आया, जहां पर उन्होंने अपने इको सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। तो जहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ऐसा इको सिस्टम डेवलप करने के लिए जहां पर सैमसंग भी बहुत कोशिश कर रहा है, जहां फिर एंड्रॉइड की बात करो बहुत सारी अलग अलग कंपनी ऐसा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी काम में नहीं आ रहा। मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताता कि जो एप्पल का इको सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहां पर हुआ क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे अगर आपके पास आईपैड है, जहां फिर आपके पास मैक है, जहां फिर आपके पास कुछ भी ऐसी डिवाइस है, तो उसको सब जो जितने भी है आप सामने रख के उसको एक ही चाहे ट्रैक पैड से, जैसे आपके पास अगर मैकबुक है तो मैकबैक के ट्रैक बैक से आप तीनों डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो ट्रैक पैड का कर्सर होगा वो सीधा आपके आईपैड के ऊपर चला जाएगा, जहां फिर आपके जो मैक प्रो है उसके ऊपर चला जाएगा, जहां फिर जो अगर आप जहां पे माउस यूज कर रहे हो तो वो भी आप उसके हिसाब से तीनों डिवाइस को कंट्रोल कर सकोगे। इसके इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से जहां पे डेवलप किया है। और कोई भी कंटेंट अगर आपको सेंड करना है जहां फिर रिसीव करना है, तो उसी एक ही माउस से या फिर एक ही जो ट्रैक पैड आपके पास उसी से आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये इकोसिस्टम बहुत टाइम पहले इन्होंने सोचा था कि ऐसा कुछ करने के लिए, लेकिन काफी टाइम हो गया अभी तक ये आया नहीं था। तो अभी जहां पे इन्होंने जो अपना सिस्टम को डेवलप किया काफी अच्छे तरीके से किया है। तो जहां पे एक बात और भी बताता हूं, काफी टाइम से ऐसा सैमसंग भी सोच रहा है ऐसा इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो हो सकता है कि वो जल्दी, मेरे को ऐसी न्यूज सुनने को मिली थी कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऐसा टाइप करने वाला है ऐसा सिस्टम पूरी तरह से बिल्डअप करने के लिए अपने इकोसिस्टम को जहां पे परफेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों जहां पे जो आईपैड ओएस आपको देखने को मिलता है एप्पल का काफी सही है। मैं एक बात जहां पे आपको बताता हूं, एंड्रॉइड की आपको बहुत सारी अलग अलग टैबलेट देखने को मिलती है, लिनोवो योगा भी उसमें बहुत ज्यादा फेमस है, और भी बहुत सारी कंपनियां सैमसंग की बात करो उसमें टैबलेट बनाती है। लेकिन जो आपको एक इकोसिस्टम जहां फिर एक परफेक्ट ओएस मिलो, ओएस बोलते हैं ना, वो आपको जहां पे एंड्रॉइड टैबलेट में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ ऐसे लैग देखने को मिलते हैं, कुछ जहां पे इरिटेटेड सिस्टम हमको देखने को मिलता है। अगर आपने एंड्रॉइड टैबलेट यूज किया तो आपको इसके बारे में एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। अगर आपने जहां पे आईपैड को यूज किया तो आप दोनों का कंपैरिजन कर देना। हां इतनी बात मैं मानता हूं प्राइस आईपैड का ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम जहां पे सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको जो सही एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको आईपैड के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन एंड्रॉइड की जहां पे बात करो तो फिर भी कुछ ना कुछ अभी तक पूरी तरह से बोलो ना एंड्रॉइड जो टैबलेट के लिए डेवलप हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई अभी भी बहुत कुछ पेंडिंग है जहां पे एंड्रॉइड के लिए जो टैबलेट को देता है उसमें। तो दोस्तों जहां पे iOS 15 में भी बहुत ज्यादा अपडेट, जो अगर आपके पास जहां पे iPod है या फिर iPod Max है तो उसमें भी बहुत ज्यादा अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन देखने को मिलेगा। फेस टाइम के ऊपर अगर आप कॉल करें तो वहां भी बहुत ज्यादा जो अपडेट और बूस्ट यहां पे आपको आवाज में देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि कौन सा बंदा इस टाइम के ऊपर आवाज कर रहा है या फिर कौन सा बंदा बोल रहा है। अलग अलग डायरेक्शन से आपको ऐसा फील होगा जैसे आवाज आ रही है। और जहां पे एक फंक्शन और भी काफी ज्यादा मेरे को पसंद है जो निकला हुआ है, अगर जहां आपने एयरपोर्ट को लगा के रखा है, किसी को कॉल नहीं करे कुछ नहीं करे, तो सामने कोई बंदा आपसे बात कर रहा है ना, तो उसकी आवाज भी आपके एयरपोर्ट में जाएंगी, फिर आवाज एम्पलीफाई होगी, उसको बूस्ट मिलेगा और वो आपको सुनाई देगा। मतलब कि कोई सामने बंदा बात कर रहा है तो आपने जस्ट अपना एयरपोर्ट को लगा के रखा है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी आवाज भी आपको क्लैरिटी से सुनाई देगी। तो दोस्तों बस यही था जो मैंने आपको खास और टॉप फीचर थे iOS 15 के जो मैंने आपको बता दिया है कौन सी चीजें आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। जल्दी इसका बीटा वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद इसका स्टेबल वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां भी आपके जितने सवाल होते हैं या फिर जो आप मेरे को एडवाइस देते हो कमेंट करते हो उसके ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।